न्यू आइटम फॉर डीएलडब्ल्यू परपज ऑफ बोगी फर्स्ट ऑफ ऑल इच बोगी फोर व्हील और सिक्स व्हील ट्रक सर्व ए नंबर ऑफ परपज नंबर वन सपोर्ट ऑफ द रेल व्हीकल बॉडी जो रेल कोच ऊपर होता है उसको सपोर्ट करने के लिए बोगी का उपयोग किया जाता है नंबर स्टेबिलिटी ऑन बोथ स्टेट एंड कर्व ट्रैक जब गाड़ी हमारी स्टेट और कर्व ट्रैक पर चलती है तो उसको स्टेबिलिटी प्रदान करने के लिए बोगी का यूज होता है नंबर थ्री राइड क्वालिटी को इंप्रूव करता है और वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करता है और सेंटिविजल फोर्सेस को मिनिमाइज करता है विशेषकर जब गाड़ी हमारी स्पीड पर होती है और और कर्व्स पर होती है दिस इज द मेन दर्पजेज ऑफ आवर बोगी आर फैब्रिकेटिंग इन डी ये नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज द बोगी। पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एक बोगी है कोको बोगी जो पूरी तरह से असेंबल्ड है और रेडी है तैयार है इंजन लोको सेल इसके ऊपर रखे जाने के लिए इस लोको एक्सप्लोडेड व्यू ऑफ डब्लू ए सेवन बोगी का जो व्यू आप देख रहे हैं इसमें हम लोग केवल इसका स्ट्रक्चर जो है वो हम लोग फैब्रिकेट करते हैं जो कंपोनेंट्स हैं वो बाहर से आते हैं उनको हम लोग इसमें असेंबली करते हैं कंपोनेंट में जैसे आप देख रहे हैं इसमें सेकेंडरी स्प्रिंग्स हैं आपके व्हील्स हैं आपके होल्डर फॉर ट्रक मशीन सस्पेंशन पुल रॉड पेवेट एक्सल बॉक्स भोगी पाइपिंग प्राइमरी स्प्रिंग वर्टिकल डैम्पर सेकेंडरी वर्टिकल डैम्पर पर प्राइमरी ये सब आइटम बाहर से आते हैं हम लोग केवल मेन स्ट्रक्चर की फैब्रिकेशन करते हैं जिसमें जो स्टेप्स फॉलो हम लोग करते हैं जो प्रोसेस इन्वॉल्व होती हैं जो प्लेट्स हम लोग यूज करते हैं उनका वर्णन हम एक एक करके आगे की स्लाइड में आपको दिखाएंगे जब सब सबसे पहले ये फ्लो चार्ट है फ्लो चार्ट में क्लियर नहीं हो रहा है आगे बढ़ते हैं ये टॉप व्यू है बोगी का इसमें आपको थ्री मोटर्स दिखाई दे रही हैं। रील के साथ लगी हुई हैं। ब्रेक सिलेंडर लगे हुए हैं हम जो रॉ मटेरियल इसमें यूज होता है करते हैं शॉप में जैसे स्टील प्लेट्स नंबर वन ये प्लेट जो है आई एस बीस बासठ यही चार सौ दस इलेवन टाइप की प्लेट्स हैं ये जो बारह एम एम सोलह एम एम अठारह एम एम बीस एम एम से लेकर के बत्तीस दस तिरसठ पचास चालीस पच्चीस और साठ एम एम की प्लेट, प्लेट, दस, प्लेट हम लोग यूज करते हैं इसके अलावा आई एस बीस बासठ ई दो सौ पचास सेलमा जो चार टाइप की हैं इसमें दस छी पॉइंट वन फाइव एम एम 66 मम mm की प्लेट से इसके अलावा स्टील राउंड बार है 50 मम mm की ये है आईएस 1857 क्लास सिक्स आगे बढ़ते हैं जो मेन कंपोनेंट है जो हम लोग अपने बोगी फैब्रिकेशन के दौरान इसमें अटैच करते हैं वेल्डिंग के द्वारा जो टोटल 11 कंपोनेंट्स हैं जैसे स्प्रिंग गाइड नंबर तू पिवेट नंबर थ्री सीलिंग कॉपर वाशर नंबर थ्री नंबर फोर वार फॉर बोगी हेड बीम नंबर फाइव हैग जगनल सॉकेट सी स्क्रू डॉविल पिन राउंड बार डायर 28 एट किट ऑफ वुशिस फॉर ब्रेक ट्यूब फॉर हेड बीम असेबली लाइनर नॉन मेटेलिक एंड मोटर सपोर्ट दीज आर द लिस्ट ऑफ आइटम बेल्डिंग प्रोसेस इन बोगी फिलर मेटीरियल जो हम लोग यूज करते हैं नंबर वन समर आर बिल्डिंग फ्लक्स एल सात सौ अस्सी वायर वन वाई एट यानी थ्री पॉइंट वन टू एम एम इसका ग्रेड एल फिफ्टी लिंकन इसके अलावा वन पॉइंट टू एम एम का एम सी डब्ल्यू वायर इसमें एम सी डब्ल्यू माई मेटल कोड आर्ग वेल्डिंग वायर होता है ये इसके आगे जीरो पॉइंट नाइन एम का सॉलिड कॉपर कोटेड वायर फोर एम एम का ई साठ ग्यारह इलेक्ट्रोड जो टैकिंग में काम करते हैं हम लोग नाइन एम एम की गॉजिंग रॉड जब कभी रिपेयर आता है तो गॉजिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं और सील्डिंग गैस बयासी अठारह परसेंटेज वाली जिसमें बयासी परसेंट आर्गन है और अठारह परसेंट सीओ टू गैस मेन असेंबली जो बोगी में हम लोग तो तैयार करके लगाते हैं वो है पांच प्रकार के पहली है साइड फ्रेम आर एस साइड और एल एस साइड दोनों साइड में एक एक नंबर लगती है इसमें ट्रांजम दो नंबर इस्तेमाल करते हैं हम लोग ट्रांजम एक नंबर और हेड बीम असेंबली एक नंबर इसके अलावा डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं और ब्रैकेट्स होते हैं जो आगे के स्लाइड्स में आपको दिखाएंगे जो स्टेप्स बोगी फैब्रिकेशन के दौरान सीरियल वाइज आपको दिखाए जा रहे हैं सबसे पहले हम लोग जो सब असेंबलीज होती हैं उनको तैयार करते हैं बोगी के लिए और असेंबली को ट वेल्ड करने के बाद उसमें समझ आर वेल्डिंग की जाती है समझ आर वेल्डिंग करने के बाद उन कंपोनेंट को स्ट्रेटनिंग के लिए पावर प्रेस पे भेजते हैं पावर प्रेस पे सीधा होने के बाद उस पर मशीनिंग की जाती है मशीनिंग शॉप में उसके बाद मार्किंग सेटअप और टेक करने के लिए इसको बोगी फिक्चर एक असे, असेंबली फिक्चर होता है वहां पर इसको लेके आते हैं और वहां पर हम लोग एक बोगी की असेंबली तैयार करते हैं और जहां जरूरत होती है उस समय हम जी वेल्डिंग का यूज करते हैं फिर इसमें जितने भी क्रिटिकल वेल्डिंग ज्वाइंट होते हैं उन सब का टी किया जाता है यू एस टी मीन अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग ऑफ ऑल क्रिटिकल वेल्डिंग ज्वाइंट्स तो जब वो सारे जॉइंट क्लियरली पास हो जाते हैं यूएसटी में तो उसके बाद आगे की प्रोसेस में इस बोगी को डिफरेंट छोटे छोटे कंपोनेंट लगाने के बाद स्ट्रेस रिलीविंग के लिए भेजा जाता है स्ट्रेस रिलीविंग बोगी असेंबली की 640 सौ डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम ले जाकर की जाती है और ये टोटल 28 घंटे की साइकिल होती है इसमें 14 घंटे का हीटिंग साइकिल होता है और 10 घंटे का कूलिंग टाइम और चार घंटे का होल्डिंग टाइम इस प्रकार से ये टोटल 28 एट आवर्स की एक प्रोसेस है हीटिंग प्रोसेस जिसमें वेल्डिंग के दौरान जितने भी स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं उनको रिलीज किया जाता है और फिर वोगी को जब वो ही ट्रीटमेंट के बाद दो सौ से डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच जाती है वहां से इसको एयर में कूल होने के लिए निकाल दिया जाता है फिर बोगी को शॉर्ट ब्लास्टिंग के लिए शॉर्ट ब्लास्टिंग मशीन में भेजा जाता है वहां पर सारे इसके रस्ट और जितनी भी गंदगी है जितने भी कार्बन पार्टिकल्स हैं वो सारे हटा दिए जाते हैं क्लीन होने के बाद बोगी यहाँ से मशीनिंग के लिए जाती है मशीनिंग सेक्शन में मशीनिंग होने के बाद बोगी में बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट, ब्रैकेट्स, कंपोनेंट्स लगाए जाते हैं और जब कंप्लीट, रेडी होने के बाद बोगी को फिर इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट को असेंबली के लिए दे दिया जाता है इंस्पेक्शन में पास होने के बाद बोगी को डिस्पैच किया जाता है अलग असम्बली शॉप में पेंटिंग के लिए इस प्रकार से एक बोगी तेरह टोटल स्टेप्स होते हैं उनमें तैयार होने के बाद हमारे बी शॉप से यानी ब्लॉक शॉप से बाहर जाती है अब हम आपको डिफरेंट जो सीक्वेंस है साइड फ्रेम यानी कि जो मेन असेंबली पार्ट है इसका वो गीगा, वो हम लोग कैसे तैयार करते हैं आप देखिए यहाँ पे दो बड़ी प्लेट दिखाई दे रही हैं, इसमें एक टॉप प्लेट होती है एक बॉटम प्लेट होती है टॉप एंड बॉटम प्लेट को जो फिक्चर्स हैं उन फिक्चर्स पे पहले बॉटम प्लेट रखते हैं उसमें डिफरेंट जो क्रॉस प्लेट्स होती हैं हैं सपोर्ट्स होते हैं। उनको टैग वेल्ड किया जाता है टैग वेल्ड करने के बाद उनकी वेल्डिंग की जाती है फिर साइड क्रॉस बेब लगाई जाती है क्रॉस बेब आपकी बारह में मोटी प्लेट की होती है और इस प्रकार से आप देखेंगे फाइनल स्टेज में एक बक्सा तैयार हो जाता है और बक्सा ये आप देख रहे हैं यहाँ पे रखा हुआ है ये बक्से तैयार होने के बाद जो है समाजार वेल्डिंग पे इनको भेजा जाता है वहां पर इनकी वेल्डिंग होती है कंप्लीट वेल्डिंग होने के बाद दूसरे नंबर पर होता है ट्रांजम ये भी असेंबली का मेन पार्ट है ये दो नंबर इस्तेमाल किए जाते हैं आप चित्र नंबर वन में देख रहे होंगे कि प्लेट बॉटम प्लेट रखी गई है और उसके बाद इसको इसमें साइड और टॉप प्लेट लगा करके फिर टैग वेल्ड करके और उसके बाद कंप्लीट समार बेल्डिंग से इसको हम लोग तैयार करते हैं तो इस प्रकार से दो नंबर पे भी ट्रांजम हमारी तैयार हो जाती हैं इसके बाद सीक्वेंस ऑफ ट्रांज़म फैब्रिकेशन है जो अभी मैंने आपको पहले बताया है उसी का ये एक पार्ट है इसके बाद एल एस आर एस जो साइड फ्रेम जो हम लोगों ने पहले तैयार की थी एंड वेल्ड किया था फीचर के ऊपर उसको हम लोग समझार वेल्डिंग के लिए ऑटो वेल्डर पर लेके आते हैं ऑटो वेल्डर में आप फिक्चर पर देख रहे हैं कि इसको नट बोल्ट की तरह टाइट किया जाता है फिक्चर पे और फिक्चर पर इसको कंप्लीट वेल्डिंग करने के बाद वन पास में तैयार कर लेते हैं इसके बाद एक पार्ट और होता है इसका असेंबली का जिसको बोलते हैं हेड बीम असेंबली इस असेंबली में जो कंपोनेंट्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं और जो स्टेप्स होते हैं वो आप नंबर वाइज यहाँ देख रहे हैं जैसे एक भी बार है सबसे लेफ्ट साइड में बार में एक कॉलर फिट किया गया है टैग करके इसको उठा के एक ट्यूब के अंदर डाला गया है और इस ट्यूब को फिर यहाँ पे एक असेंबली है तैयार हो रही है लास्ट में तो ये हेड बीम असेंबली एक नंबर लगती है इसको तैयार कर लिया गया है ये स्टेटनिंग प्रपर से कॉर्पस इस्तेमाल की जाती है जो साइड फ्रेम है हमारे जो समझार वेल्डिंग अभी जो पहले वाले ऑपरेशन में आपने देखा कंप्लीट होने के बाद इसको पावर पेस लाया जाता है इसका सीधा होना बहुत ज़रूरी है और प्रॉपर स्ट्रेटनिंग होने के बाद और इसमें जितनी भी ट्विस्टिंग्स और जो भी कॉनवेक्सिंग या कॉनकेविंग है उसको दूर किया जाता है स्ट्रेटनिंग होने के बाद इसको आगे के ऑफिस में मशीनिंग के लिए भेजा जाता है ये रेडियोग्राफिक जॉइंट और बेल्डिंग है ये टोटल जो है बारह नंबर होते हैं बोगी में इनका यूएसटी भी किया जाता है और ये कंप्लीट ज्वाइंट है जो आप देख रहे हैं ये सिंगल ब्रॉड फेस ब्रॉड रूट गैप सिंगल वी बट वेल्ड है जो हम लोग यहाँ तैयार करते हैं बोगी असेंबली सेटअप करने के लिए जब सारे आर एस एल एस साइड फ्रेम टू नंबर ट्रांजम वन नंबर हेडबीम और वन नंबर सपोर्ट तैयार हो जाते हैं तो इनको हम लोग एक फिक्चर होता है हमारा जिसको हम असेंबली फिक्चर बोलते हैं वहां पर लेके आते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र में वहां पर इनको सेट किया जाता है टैग बेल्ट किया जाता है और टैग बेल्ट देखिए फाइनल स्टेज में यहाँ पर ये हेड बीम असेंबली भी इसमें फिट है अब इसमें जो वेल्डिंग के जो मेन पार्ट है जो हमारे क्रिटिकल वेल्डिंग ज्वाइंट्स हैं जिनका हम लोग रेडियोग्राफ करते हैं उसके लिए ये तैयार हो जाती है जब वेल्डिंग कंप्लीट हो गई क्रिटिकल वेल्डिंग का इंस्पेक्शन हो गया और वो रेडियोग्राफ में पास हो गई पास होने के बाद इस बोगी को हम लोग मार्किंग के लिए लेके आते हैं और मार्किंग में इसमें कुछ मेन कंपोनेंट्स होते हैं जो वेल्डिंग किए जाते हैं यहाँ से इसको स्ट्रेस रिलीविंग के लिए तैयार किया जाता है ये देखिए बोगी स्ट्रेस रिलीविंग के लिए आ गई है ये भट्टी के अंदर चली गई है एक साथ में दो बोगी जो है रखी जाती है अब स्ट्रेस रिलीविंग जो टोटल ट्वेंटी एट आवर्स की साइकिल है और कंप्लीट होने के बाद ये शॉर्ट ब्लास्टिंग में आती है ये देखिए आप प्रोसेस ऑफ बोगी शॉर्ट ब्लास्टिंग प्रोसेस जितनी भी हीट ट्रीटमेंट के दौरान जो गंदगी जो रस्टिंग जो कार्बन जमा हो जाता है पाउडर्स वो सब यहाँ दूर होता है क्लीन हो जाता है और यहाँ से साफ होने के बाद बोगी मशीनिंग के लिए भेज दी जाती है ये मशीनिंग एरिया है यहाँ पर जो है मशीनिंग देख रहे हैं आप जो मशीनिंग एरिया लिखा हुआ है इन पोर्शन की मशीनिंग की जाती है ड्रिलिंग की जाती है और प्रॉपर मशीनिंग के बाद जो है चेकिंग करने के बाद बोगी वापस जो है हमारे बेल्डिंग सेक्शन में आ जाती है यहाँ पर जो है इसमें डिफरेंट जो ब्रैकेट्स होते हैं फाइनल स्टेज में वो लगाए जाते हैं सेटअप टैग करके फिर वेल्डिंग करके जिसमें डिफरेंट पोजीशन पर वेल्डिंग होती है जैसे वेल्डिंग 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 है वेल्डिंग है वेल्डिंग है है वर्टिकल डाउन एंड इनको लगाया जाता ये कंपोनेंट भी पहले से तैयार कर लिए जाते हैं अलग से और कंप्लीट ब्रैकेट जो है फाइनल स्टेज में यहाँ पर सेटअप किए जाते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं और फाइनल कंपोनेंट स्टेज में ये बोगी हमारी आ गई है इसमें कुछ कंपोनेंट्स हैं जो एक अलग से फिगर है जिसको बोलते हैं ये आप देख रहे हैं पहले बेंडिंग ऑपरेशन हुआ है इसमें फ्लेम कटिंग फ्लेम कटिंग के बाद बेंडिंग ऑपरेशन बेंडिंग होने के बाद इनको तैयार किया गया है मशीनिंग के लिए इसके बाद ये आपका सपोर्ट सेटअप एंड वेल्डिंग सपोर्ट और ये आप देख रहे हैं कंप्लीट असेंबली तैयार हो गई है पहले फिक्चर पे है सिंगल है उसके बाद फिक्चर पे है फिर आपकी मशीनिंग पे इस प्रकार से ये भी एक मेन कंपोनेंट है जो फाइनल असेंबली के दौरान जो है वेल्डिंग किया जाता है इस प्रकार से ये जो बोगी फैब्रिकेशन का जो कार्य है वो यहाँ पर पूरा होता है और इस समय हम लोग ब्लॉक शॉप में इलेक्टिव बोगी की असेंबली तैयार कर रहे हैं यदि किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है